तो गाइस आज एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। एंड प्रॉब्लम ये है कि भैया हमारे वीडियो की फाइल साइज़ काफ़ी बड़ी है, मतलब हम जो भी वीडियो एक्सपोर्ट करते हैं उसकी साइज़ काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो उसको हम कॉम्प्रेस कैसे करें एंड वीडियो की क्वालिटी भी यहाँ पे लूज़ नहीं होनी चाहिए, तो उसका सॉल्यूशन हमें बताओ। तो इस वीडियो में इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, अगर आपको ओवर द इंटरनेट कोई भी फाइल को शेयर करना है कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या तो फिर किसी को ईमेल करना है, तो हर प्लेटफॉर्म पर एक साइज़ की लिमिट रहती है कि इससे बड़ी फाइल आप शेयर नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको वीडियो को कॉम्प्रेस करना पड़ेगा। एंड अगर आप वीडियो कॉम्प्रेस करोगे तो कई सारे टूल्स अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन उसमें क्या है कि वीडियो की क्वालिटी डाउन चली जाती है। तो इस वीडियो में मैं जो प्रोसेस बताऊंगा उससे आप वीडियो कॉम्प्रेस भी कर सकोगे और आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है वो भी सेम बरकरार रहेगी, ना कोई ऑडियो में प्रॉब्लम होगी और ना ही कोई रिजोल्यूशन में प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप गूगल में चले जाइए एंड वहां पे टाइप कीजिए हैंड ब्रेक, एंड ये जो सबसे पहली लिंक आपको मिलेगी उसको ओपन कर दीजिए। एंड यहां पे आपको डाउनलोड का बटन दिखेगा, सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये 13 MB का सेटअप है, वो सबसे पहले आप आपके कंप्यूटर में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दीजिए। तो यहां पे मैंने वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया है। अभी मेरी एक वीडियो है जिसकी अगर मैं आपको फाइल साइज दिखाऊं तो यहां पे आप देख सकते हो इसकी फाइल साइज अराउंड 1.2 GB की है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में अंदर 1.22 GB, तो ये वीडियो की फाइल साइज़ 1.22 GB है जिसको मुझे करना है कॉम्प्रेस। तो अभी सिंपली मैं क्या करूँगा, आपको सबसे पहले वो जो सॉफ्टवेयर है उसको ओपन कर लेना है। तो ये डेस्कटॉप पे डबल क्लिक एंड ये सॉफ्टवेयर को ओपन कर दीजिए, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप डायरेक्टली कोई भी फाइल है वो सिंपली ड्रैग भी कर सकते हो, या तो फिर अगर आपको कोई फाइल स्पेसिफिक लोकेशन से सिलेक्ट करनी है तो यहाँ पे आपको लेफ्ट पैनल में ऑप्शन मिल जाएंगे जहाँ से आप फाइल को सिलेक्ट कर सकोगे। तो यहाँ पे मैं मेरी जो वीडियो है उसको सिंपली होल्ड करके ड्रैग कर देता हूँ ये सॉफ्टवेयर के अंदर। तो यहाँ पे मेरी फाइल लोड हो गई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपको ऊपर यहाँ पे प्रीसेट्स का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे प्रीसेट्स का क्या मतलब है कि यहाँ पे आपको कुछ बनाए बनाए टेम्पलेट मिल जाएगी, अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक फ्रेम रेट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे डिफॉल्ट प्रीसेट्स का यूज़ नहीं करूँगा, मैं कुछ और कस्टमाइजेशन आपको बताऊँगा ताकि आपके वीडियो की क्वालिटी बरकरार रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे समरी के अंदर चले जाइए। तो समरी में यहाँ पे आपको फॉर्मेट दिखेगा, तो फॉर्मेट में सिंपली MP4 सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद यहां पे वेब ऑप्टिमाइज़ का ऑप्शन आपको चेक कर देना है। तो समरी के अंदर आपको ये चेंज करना है, फिर डायमेंशन के अंदर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, जो डिफॉल्ट सेटिंग है वही रहने दीजिए। उसके बाद आप चले जाइए फिल्टर में, तो फिल्टर में भी आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, उसमें भी जो डिफॉल्ट सेटिंग्स है वही आपको रहने देना है, कोई भी सेटिंग्स का यहां पे आपको छेड़छाड़ नहीं करनी। उसके बाद आपको जाना है वीडियो के अंदर, तो यहां पे हमें कुछ सेटिंग्स करने हैं। तो यहां पे आपको वीडियो कोडेक का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली उसमें H.264 ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद फ्रेम रेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मुझे यहाँ पे पता है कि मैं जो भी वीडियो शूट करता हूँ वो 30 FPS पे शूट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सिलेक्ट कर देना है 30। आपका वीडियो की फ्रेम रेट देख लीजिए, जो भी वीडियो आप शूट करते हो कैमरा में या तो फिर मोबाइल डिवाइस में, तो उसकी फ्रेम रेट कितनी है, तो वो सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। फिर उसके नीचे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, कॉन्स्टेंट फ्रेम रेट एंड पीक फ्रेम रेट। तो इसका क्या मतलब है, तो कॉन्स्टेंट फ्रेम रेट का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने यहाँ पे आपका जो वीडियो है उसकी फ्रेम रेट अगर 30 FPS है, तो जब ये वीडियो कन्वर्ट होगा तो कॉन्स्टेंटली वो फ्रेम रेट बरकरार रहेगी सारे के सारे वीडियो में, जब तक आपका वीडियो कन्वर्ट नहीं हो जाता। लेकिन अगर आप नीचे पीक फ्रेम रेट का ऑप्शन सिलेक्ट कर देते हो तो वो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। लाइक अगर कुछ ऐसा पॉइंट है वीडियो में जहां पे उसको फ्रेम रेट थोड़ी इंक्रीज करनी है थोड़ी डिक्रीज करनी है, तो वो यहां पे ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देगा। लेकिन मुझे यहां पे पता है मेरी वीडियो की फ्रेम रेट, तो मैं यहां पे सिलेक्ट कर देता हूं कॉन्स्टेंट फ्रेम रेट। अगर आपको फ्रेम रेट पता नहीं है आपके वीडियो की, तो मैं यहां पे सजेस्ट करूंगा कि आप पीक फ्रेम रेट का ऑप्शन सिलेक्ट कर दीजिए। तो मैं यहां पे सिलेक्ट कर देता हूं कॉन्स्टेंट फ्रेम रेट। उसके बाद ये जो क्वालिटी का ऑप्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहां पे आप देख सकते हो डिफॉल्ट सिलेक्टेड वैल्यूज यहां पे 22 है। तो भी इसका क्या मतलब है, तो यहां पे अगर आप देखोगे इसको मैं अगर इंक्रीज कर देता हूं इसकी वैल्यू यहां पे 0 तक ले जाता हूं, तो यहां पे ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप इसकी वैल्यू 0 सेट कर दोगे तो आपकी जो वीडियो की साइज है वो साइज काफी इंक्रीज हो जाएगी, लाइक 5 GB 6 GB तक। तो यहां
पे आपको ध्यान रखना है कि आपको जीरो तक नहीं जाना है। तो यहाँ पे आपको कौन सी वैल्यू सेट करनी है वो कैसे पता चलेगा, तो अगर आप यहाँ पे माउस ओवर करोगे तो यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा सजेस्टेड वैल्यूज आर 80-20 फॉर स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियोज एंड 20-23 फॉर हाई डेफिनेशन वीडियोज। तो यहाँ पे मैं जो वीडियो कैप्चर करता हूँ वो हाई डेफिनेशन में है, तो मुझे वैल्यूज बिटवीन 20-23 के बीच में सेट करनी है। तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट वैल्यू है 22 मैं वही यहाँ पे रखूंगा। अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी स्टैंडर्ड डेफिनेशन में है तो आपको यहाँ पे 18-20 के बीच में वैल्यू सेट करनी है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ 22, ठीक है। अभी यहाँ पे वीडियो का सेटिंग तो हमने कर लिया, उसके बाद चले जाते हैं ऑडियो में। तो ऑडियो में भी आपको कोई सेटिंग्स चेंज नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे देख लीजिए जो सेटिंग सिलेक्टेड है वो वैलिड है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद सब टाइटल्स में एंड चैप्टर्स में आपको कोई भी चेंज नहीं करना। तो अभी हमारा यहाँ पे सेटिंग खत्म हो चुका है, अब जो चले जाते हैं समरी के अंदर। और समरी में सबसे पहले यहाँ पे ये वीडियो आपको कहाँ पे सेव करना है वो सिंपली यहाँ पे सेव कर दीजिए। तो यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके एंड फाइल का नाम दे दीजिए। तो मैं यहाँ पे फाइल का नाम देता हूँ आफ्टर कॉम्प्रेस एंड सेव। अभी नेक्स्ट आपको क्या करना है, ऊपर आपको स्टार्ट एनकोड का बटन दिखेगा तो सिंपली उसको क्लिक कर दीजिए। ये एनकोडिंग होने में थोड़ा यहाँ पे टाइम लेगा क्योंकि ये काफ़ी बारीकी से एनकोड करता है वीडियो को, तो आपकी वीडियो की क्वालिटी बरकरार रहे इसके लिए थोड़ा टाइम लेगा। जब हम कोई भी वीडियो को Adobe Premiere Pro में से एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे जितना टाइम लेता है उससे थोड़ा कम टाइम यहाँ पे लेगा, लेकिन थोड़ा टाइम जरूर लेगा, तो यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली इस वीडियो को भी यहाँ पे पॉज कर देता हूँ और फिर से उसको रिज्यूम करूँगा ये वीडियो कॉम्प्रेस हो जाने के बाद। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ठीक है। तो हमारा वीडियो यहाँ पे कॉम्प्रेस हो चुका है, तो अभी सिंपली मैं उसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ एंड ये वाला वीडियो आफ्टर कॉम्प्रेस। तो अभी सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाते हैं। तो यहाँ पे फाइल साइज देख लीजिए 165 MB। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो दोनों फाइल का कितना ज़्यादा कॉम्प्रेस कर दिया है। तो अभी बात करते हैं क्वालिटी की, तो यहाँ पे मैं आपको अगर दोनों वीडियो साइड बाय साइड प्ले करके दिखाऊँ तो आपको नजर आएगा कि क्वालिटी में कुछ चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सिंपली मैं यहाँ पे दोनों वीडियो को प्ले कर देता हूँ साइड बाय साइड। इसको मैंने कर दिया यहाँ पे VLC में ओपन एंड दोनों फाइल कर दी साइड। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों वीडियो की क्वालिटी यहाँ पे सेम है एंड मैंने यहाँ पे ऑडियो को म्यूट कर दिया है क्योंकि यहाँ पे डिस्टर्बेंस ना है इसलिए, और ऑडियो की क्वालिटी भी काफ़ी सेम है। और ऊपर से मुझे ये जो कॉम्प्रेस वीडियो है उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लग रही है एज़ कम्पेयर विथ माई ओरिजिनल वीडियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो की क्वालिटी में कोई भी गिरावट नहीं आई, तो वीडियो की क्वालिटी भी बरकरार रही है और वीडियो हमारा काफ़ी अच्छे से कॉम्प्रेस भी हो गया है। तो ये काफ़ी आसान सी प्रोसेस है जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बताई है। तो इस तरह से आप कोई भी बड़े वीडियो को आसानी से कॉम्प्रेस कर सकते हो। तो आई होप कि आपको अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया होगा कि किस तरह से आपको वीडियो को कॉम्प्रेस करना है। एंड अगर आपका कोई दूसरा सजेशन है, आपको कोई भी टाइप की प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी कमेंट जरूर कर दीजिए। एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।